वाह, पनीर की सब्जी, ये तो मेरी फेवरेट है यार। तभी तो तेरे लिए बनाई है। थैंक्स यार। कुसुम रोटी देना। हाँ। यार बहुत तीखा है, पानी दे, पानी पानी दे। ओ शिट, तीखा? बहुत तीखा है यार। इसमें भी कोई गड़बड़ है क्या? नमक कुछ ज्यादा ही है। ओ शिट, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। बेटा वरुण, मेरी बात मान ले, अभी भी समय है, शादी कर ले। कम से कम खाना तो ढंग का मिलेगा। सो सॉरी गाइस, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। सो सॉरी, मैं 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, भाभी भी जा रहे हैं साथ में। नहीं नहीं, कुसुम थक चुकी है, आराम करेगी। और वैसे भी कल सुबह 6 बजे के लिए वापस निकलना है। वहाँ क्यों? कुसुम वहीं से है ना? ओ अच्छा 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 अच्छा। कुसुम, इसे तुम अपना ही घर समझना, ठीक है? और वरुण मेरा बचपन का दोस्त है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक बोलना वरुण को, ठीक है? चल, see you guys. Okay, bye. Actually, संजीव बहुत अच्छे इंसान है। जब भी मुझे कमर दर्द होता है वो मुझे मसाज कर देते हैं। मसाज? हाँ। मसाज तो मैं भी कर सकता हूँ। Really? मेरे पास तो मसाजर भी है। तो तुम? मैं मसाजर। बिल्कुल। अरे तुम, अरे तू तो इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा, तू इतना जल्दी आ गया? अरे यार, वो मैं बीच रास्ते गया ही था कि क्लाइंट का फोन आ गया, मीटिंग कैंसिल। अच्छा, कुसुम कहाँ है? कुसुम वो बेडरूम में। क्या है ये? भाभी को बैक में पेन हो रही थी तो मैंने मसाज कर दी। मसाज कर दी मतलब? अरे बीवी है मेरी वो। चल रिलैक्स रिलैक्स, एंजॉय किया ना? भाई क्या बोल रहा है ये, तेरी बीवी है वो? लेकिन किराए की। किराए की? हाँ मतलब? चल चल, मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ। रिलैक्स, चिल। वरुण मेरे भाई, तू तो जानता है ना यार कि मैं गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ, पर उसके लिए मुझे रिश्वत भी देनी पड़ती है। लेकिन साला एक ऑफिसर ऐसा आया कि जिसे रिश्वत नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की सुंदर बीवी चाहिए थी। फिर क्या? और वहां नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पर 20,000 रुपए देकर कुसुम को 3 महीने के लिए अपनी बीवी बना लाया, और मेरा काम भी हो गया। और देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना तो कुसुम तू रख ले, वैसे भी मेरा एग्रीमेंट। एक मिनट, एग्रीमेंट मतलब? मैं समझा नहीं। देख, जहां हम किराए पर पत्नी ले सकते हैं, और वो कोई अनपढ़ गवार नहीं होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, और वो भी ट्रेंड, तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे पत्नियां रखती हैं। देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना तो मैं उसके परिवार वालों से बात करता हूं, एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे बनवा देता हूं, ठीक है ना? और एक बात और, कुसुम खाना बहुत अच्छा सा बनाती है, और मैं पैग। साहब जी, आप लोग के आंसर में भी अंग्रेजी दारू मिल जाते, वरना देसी दारू पी के तो माई कलेजा बहुत दुखे थे साहब जी। चाचा ये वरुण है, हमारा दोस्त। राम राम जी। कुसुम का अगला एग्रीमेंट इसी के नाम पे बना दीजिए, बड़ा ख्याल रखेगा कुसुम का। और अब लेकिन साहब जी,
कुसुम का एग्रीमेंट तो बन ही गए हो। अब आपका फोन आने के बाद हमने कुसुम का दूसरा एग्रीमेंट बना ही दियो 25,000 में। अरे तो चचा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, वरुण आपको 30,000 रुपए देगा। अरे ना साहब जी, एक बार एग्रीमेंट कर दो तो कैंसिल ना कर सकते हो, पूरा गांव में हमो नाम खराब हो जाए। हमार बेटी का एग्रीमेंट आगे से कौन कर सकता है? साहब जी आप एक काम करियो, हमारे एक और बिटिया है रानी, आप उसका एग्रीमेंट बना लियो। अब रानी। हाँ बाऊजी। आगे आ बेटे। हाँ बाऊजी। दीदी हम आपको कल ही याद कर रहे थे। हाँ, ये हमारी दूसरी बिटिया रानी। नमस्ते। अब इसका एग्रीमेंट बना लियो, लेकिन इसका 3 महीने का आपको 50,000 देना पड़ोगो। 50,000? बनाओ एग्रीमेंट। बना दो साहब जी, एग्रीमेंट बना दो। काम बनी गए हो। लीजिए। जी गिन लीजिएगा पूरे 50,000। अरे साहब जी पूरा भरोसा है आप पर, भरोसा नहीं होता तो अपनी बेटी क्यों सौंपते आपको। देख रानी बेटा, तुम्हारी एग्रीमेंट इनके साथ हुई है बेटा, इनका पूरा ध्यान रखना। हाँ बेटा। पत्नी ना होते हुए भी पत्नी का पूरा धर्म निभाना, अपने समाज का रीति रिवाज है ये। अपना और बाऊजी का ध्यान रखना और उन्हें कच्चे दारू मत पीने देना। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा। वेट, एक सेकंड में आया। ये घर, इतने सुंदर घर को कितना गंदा कर रखो है। तो तुम साफ कर लेना। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम यहीं पे सो जाना ठीक है? और अगर तुम्हें भूख लगेगी ना, फ्रिज है किचन में, तो वहां जाके खा लेना कुछ। वरुण बाबू अब आप किसी बात की चिंता मत करिए, अब हम आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। सुपर, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
उठ जाइए ना, कब तक सोए रहेंगे। उठिए ना। हम नाश्ते में क्या बनाएं? ब्रेड और ऑमलेट दे दो और साथ में जूस भी ले आना। अच्छा सुनो, अंडे वगैरह फ्रिज में पड़े होंगे, देख लेना। हमें मालूम है, हम फ्रिज साफ करते हैं, सब देख लिए थे। बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। आमलेट कैसा बना है? बहुत टेस्टी है, तुम टेस्ट करो। कैसा? रात के खाने में क्या बना दे? तुम एक काम करना, चिकन बनाना, ठीक है? मेरा फेवरेट है। पर फ्रिज में चिकन तो है ही नहीं। मैं काम करूँगा, वहीं से ऑर्डर करूँगा, घर पे आ जाएगा, ठीक है? उफ, आज भी लेट हो गया। चलो मैं टीवी देखती हूँ। ये क्या हुलिया बना के रखे तुमने? कुसुम दीदी ने हमें बताया था कि आपको उनका ये रूप बहुत भाया था, तो हम उनकी साड़ी और मंगलसूत्र ले आए थे। अच्छा ठीक है, ये साड़ी वगैरह, ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया? हटाओ इन सब चीज़ों को। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने कुछ ऐसी हरकतें मत करना, समझी तुम? और शाम को टाइम पे खाना बना देना, ठीक है? फोन तो उठाओ मैडम। हेलो, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं किम का हस्बैंड शेरी हूँ, मेरी किम से बात करवाओ। मैं रानी, किम मैडम अभी किसी से बात नहीं कर सकती। कौन है तू, क्या बकवास कर रही है? मैं उन्हीं के घर की नौकरानी रानी हूँ। तुम मेरी किम से बात करवाओ पहले, बकवास मत करो। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो।
देखो ये तुम लोग, देखो मेरी बीबी है। साहब जी धन्यवाद साहब जी। अम्मा रानी, रानी क्या हुआ, क्या हुआ तुझे बेटा? रानी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ रानी, रानी क्या हुआ? लो बेटा पानी, पानी पी। सब ठीक तो है ना बेटा? रानी क्या हुआ बताएगी, क्या हुआ रानी को, क्या हुआ बेटा? दीदी मत जाओ, आखिर हम कब तक किराए की पत्नी बनते रहेंगे? भारत में आज भी कई समाज पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों की बेड़ियों में कैद है। हम पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों के मुद्दों का पूर्ण जोर विरोध करते हैं और अपने चलचित्र के जरिए समाज को इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे काले सच से रूबरू करवाते हैं, जिससे ये समाज इन बेड़ियों से आजाद हो सके। अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और ये कम्बख सीने कट गया, यही सोच रहे हैं ना? कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने फेवरेट शोज के पूरे एपिसोड देख सकते हैं बिना कटे हुए। बस डाउनलोड कीजिए उल्लू ऐप और सब्सक्राइब कीजिए और बस देखते रहो। जस्ट क्लिक एंड प्ले।